नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल पे, और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें करंट अफेयर की श्रृंखला में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इज़राइल, अमेरिका, मालदीव, इंडोनेशिया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है अमेरिका, और अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से समझौता किया है, ठीक है, इस पे हस्ताक्षर किया है जो बाइडेन ने, जिस दिन ये प्रेसिडेंट बने थे 20 जनवरी 2021 को, उसी दिन इन्होंने सबसे पहला काम किया था कि पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने इन्होंने साइन किया। और इसकी भूमिका देख लेते हैं, जो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में पेरिस समझौते से अपने आप को हटा लिया था। फिर जब जो बाइडेन हमारे प्रेसिडेंट बने, फिर इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के साथ फिर से जुड़ने का निर्णय लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? ऑप्शन हमारे पास चार हैं, द हिंदू ग्रुप, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो यह इसमें आंसर है द हिंदू ग्रुप, ठीक है। तो ये द हिंदू ग्रुप ने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ टॉप पे रहा, ठीक है। इस अवार्ड को साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर या साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन, घर तक बिजली पहुंचाने से। दूसरा ऑप्शन, घरों को स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली से सुरक्षा से, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो यह जो परियोजना है, लाइट हाउस परियोजना, इसका संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। तो यह जो परियोजना है, किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है? केंद्रीय शहरी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए स्थायी आवास प्रदान किए जाते हैं। तो इसका मेन मोटो क्या है? जो लोग हैं, इनको स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान रखते हुए उनको आवास प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन हमारे पास हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली। तो यह जो योजना है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, या जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसको ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने यह स्टार्ट किया है, यह योजना को इनॉग्रेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास चार, कोविन, को भारत, को विजय, को वैक्स। तो ये जो ऑप्शन है, इसमें बेस्ट ऑप्शन कोविन पोर्टल है, यह एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है, वेब पोर्टल भी है। तो इस पे जाके आप अपना वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कर सकते हैं, और स्लॉट के साथ साथ आप
एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। तो आप लोग स्लॉट बुक करिए और वैक्सीन लगवाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर COVID-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? तो इसमें ऑप्शन है डिप, कोवैन, कोवी सेल्फ, कोविन, रैपिड सेल्फ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही है कोवी सेल्फ, या जो कोवी सेल्फ जो टेस्ट किट है ये माई लैब द्वारा बनाई गई है। इंडिया फर्स्ट सेल्फ टेस्ट किट फॉर COVID-19। आप घर बैठ के भी आप अपना कोविड टेस्ट कर सकते हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो जो पुस्तक मेला था वर्ल्ड बुक फेयर, इसकी थीम क्या थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं चार। गांधी लेखकों के लेखक, रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया। तो यहाँ पे आंसर सही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 इसकी वर्ल्ड बुक फेयर की थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट उन्नत कार्यक्रम की शुरुआत की? चार ऑप्शन है SBI, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये HDFC बैंक द्वारा यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया, स्मार्टअप उन्नति। इसकी टैगलाइन है प्रोग्रेस फॉर वुमेन। और यह जो कार्यक्रम है यह महिला दिवस पे, इंटरनेशनल महिला दिवस पे लॉन्च किया गया। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। HDFC बैंक की जो महिला अधिकारी हैं उनके द्वारा इन महिलाओं को परामर्श दिया जाएगा जो उद्यमी हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिला उद्यमी हैं, उनको इस बैंक के अधिकारियों द्वारा परामर्श दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड 19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये बुक है। COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, रोमिला थापर, PS श्रीधर पिल्लई, निधि बड़ेरा। तो यहाँ पे आंसर है कैलाश सत्यार्थी। ये कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको नोबल प्राइज। दो हजार 14 में इनको नोबल प्राइज दिया गया। और साथ इनके साथ यूसुफ, मलाला यूसुफ हजई जो मलाला हैं, इनको भी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इन दोनों को एक साथ ही मिला था, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ हजई। बाल बचाओ आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। रोमिला थापर की बुक का नाम बता देता हूँ, वॉइस ऑफ डिसेंट। ये रिसेंट बुक है, ये आप याद कर सकते हैं, वॉइस ऑफ डिसेंट। श्रीधर पिल्लई की ओह मिजोरम, वही निधि वडेरा की रोमांस टारगेट। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी की बुक का नाम पता ही चलेगा आपको, रोमिला थापर की वॉइस ऑफ डिसेंट, PS श्रीधर पिल्लई की ओह मिजोरम, और निधि बडेरा की रोमांस टारगेट। ये तीनों जो चारों बुक हैं ये करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी में तो पूछ सकता है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? इसका जो रेट रहेगा 250 पर बोतल, 250 रुपीज़ पर बोतल रहेगी। और जो 50 किलो की यूरिया, 50 KG यूरिया के बराबर ये काम करेगी।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये भी देख लेते हैं। चार ऑप्शन है, इफको, GNFC, NFL, RCF। तो इफको द्वारा या नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक। तो यह योजना जो है SBI द्वारा लॉन्च किया गया है, कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड ट्रीटमेंट। तो ये जो योजना है, कोविड-19 के जो पेशेंट होंगे वो लोन ले सकते हैं SBI से, और इसका लोन का दर जो होगी रेट, इंटरेस्ट रेट 8.5 पर एनम। यह लोन जो है 60 माह के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 7 माह की, 60 मंथ्स की किस्त बनेगी, और मिनिमम जो अमाउंट है 25,000, और मैक्सिमम 5 लाख पर एलिजिबिलिटी। ठीक है, एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजन। तो यह जो योजना है अंडर सी, सबसे लंबी अंडर सी केबल, यह योजना गूगल के द्वारा बनाई गई है, और गूगल के सीईओ जो हैं सुंदर पिचई। और गूगल के जो संस्थापक थे लारी पेज। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ पे आंसर सही है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा फायर पार्क, देश का पहले फायर पार्क की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग पहचान प्राप्त किया है? चार ऑप्शन है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो यहाँ पे आंसर सही है पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने बासमती चावल के लिए GI टैग हासिल किया है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, स्विट्जरलैंड पहला देश बना है। दूसरा, चार ऑप्शन देख लेते हैं, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहाँ पे आंसर सही है श्रीलंका। श्रीलंका ने भी जो कट्टरपन है उस पर काबू पाने के लिए बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया? चार ऑप्शन है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। तो यहाँ जो भारत है रूस को पीछे करते हुए चौथे स्थान पे पहुंच गया है। जो तीन शीर्ष देश हैं उनको देख लेते हैं विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स में, फॉरेक्स भंडार जो है उसमें पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ नंबर पे हमारा इंडिया, नेक्स्ट रशिया। और जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का 590 अरब डॉलर, जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है IMF में वो 590 अरब डॉलर है। चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।
मैंने प्रीवियस लेक्चर की लिंक इसी लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दी है, आप उनको भी देख सकते हैं। पुराने कुछ जो लेक्चर हैं आप उन पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।